दुनिया भर में इतना पॉपुलर क्यों है भारत? किन बातों ने पूरे विश्व को किया दीवाना? हिंदुस्तान की ऐसी कई बातें हैं जो पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है। यहाँ हम उन्हीं कुछ बातों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई देश भारत के दीवाने होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में दुनिया के 18% आबादी रहती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। साल 2019 के लोकतंत्र चुनाव में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या लगभग 911 मिलियन के करीब थे। भारत की जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 121 भाषाएं और 270 मातृभाषाएं हैं। 121 भाषाओं में से 22 भाषाएं भारत की आधिकारिक भाषा है। भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक 52.83 करोड़ लोगों के साथ देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे शब्दों में कुल आबादी का 43.63% हिस्सा हिंदी बोलते हैं। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर बंगाली और मराठी। शतरंज का आविष्कार। माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में किया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शतरंज भारत में एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। भारत से यह खेल फिर अरब और उसके बाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया। योग की उत्पत्ति। योग साधना का इतिहास पूर्व वैदिक काल का रहा। ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति 5000 साल पहले भारत में ही हुई थी। वेदों और उपनिषदों में भी योग का जिक्र मिलता है। भगवान शिव को हिंदू लोक कथाओं में पहला योगी या आदि योगी माना गया है। सबसे ज्यादा बाघ। भारत के जंगलों में बाघों की संख्या लगभग 2967 है। यह देश दुनिया की बाघों की आबादी का 70% है और इनकी संख्या देश में तेजी से बढ़ भी रही है। साल 2018 की बाघ जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 सालों में भारत में बाघों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हुई है। 2006 में ये बाघों की संख्या 1411 के करीब थी। चार धर्मों की जन्मस्थली। भारत चार धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की जन्मस्थली है। इन धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई है। इतना ही नहीं, इन धर्मों का पालन अब दुनिया की लगभग 25% आबादी भी करती है। माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सिख धर्म का इतिहास 15वीं शताब्दी का है, जब इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत दुनिया के लगभग 70% मसालों का उत्पादक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा लिस्टेड 109 किस्मों में से लगभग 75 मसालों का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देश को मसालों के सबसे बड़े उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में भी जाना जाता है। यह अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश सहित कई देशों को मसालों को बेचता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। भारत के फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनती है। फिल्मों को मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत हर साल हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 1500 से 2000 फिल्में बनाता है। मस्जिदों की सबसे ज्यादा संख्या। भारत अकेला ऐसा गैर इस्लामिक मुल्क है जहां 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मस्जिद है। यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों का घर है। कई इस्लामी देशों में भी भारत की तुलना में मस्जिदों की संख्या कम है। आयुर्वेद की उत्पत्ति। आयुर्वेद की उत्पत्ति भी भारत में हुई थी। कहा जाता है कि वैदिक युग के दौरान भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, धन्यवाद।